हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे सूजी और बेसन का स्वादिष्ट हलवा। जिसके लिए मैंने ले लिया यहाँ पे थोड़े से ड्राई फ्रूट, चीनी, घी, 2 कटोरी सूजी, 1 कटोरी बेसन। पहले मैं कढ़ाई में 2 चम्मच घी डाल के ड्राई फ्रूट्स को अच्छे से भून लूंगी। ड्राई फ्रूट को मैं भून लिया है अच्छे से मैंने। अब इसके बाद हम इसको डालेंगे बेसन। बेसन को हमें 2 मिनट अच्छे से भूनना है। मैंने यहाँ बेसन को 2 से 3 मिनट भूना है। इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा जगह बना के लगभग 5 से 6 चम्मच घी और डालेंगे। इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे सूजी। आप 2 कटोरी सूजी आप इसी टाइम पे ऐड करें। मैंने थोड़ी देर बाद ऐड किया है, बट आप इसी टाइम पे ऐड करें। इसको लगभग मैंने 10 मिनट अच्छे से लो फ्लेम पे भूना है। जब ये अच्छे से भून जाएगा तो इससे घी थोड़ा सा अलग होने लगेगा। देखिए घी थोड़ा अलग होने लगा है, ये अच्छे से भून चुका है। लगभग इसको मैंने स्लो फ्लेम पे 10 से 12 मिनट तक भूना है। हम जितना अच्छे से भूनेंगे उतना ही अच्छा हलवा बनता है। अब इसमें हम ऐड कर देंगे चीनी। मैंने यहाँ पे कम मीठा रखा है तो मैंने थोड़ा कम चीनी डाला। अगर आपको और मीठा चाहिए तो आप आधी कटोरी चीनी और डाल सकते हैं। इसके बाद मैंने इसमें 5 कटोरी पानी डाला है, गर्म पानी डाला है मैंने। जो छोटी कटोरी से मैंने बेसन और सूजी लिया था उसी कटोरी से मैंने 5 कटोरी गर्म पानी लिया है। इसके बाद इसको हम अच्छे से चलाएंगे। ये 5 से 8 मिनट में तैयार हो जाएगा। ये देखिए ये अच्छे से हो चुका है। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे ड्राई फ्रूट्स अच्छे से मिक्स करके। इसके बाद हम इसमें जो बचा हुआ घी था उसको हम इसमें मिला देंगे।
चाहें तो आप इस प्रोसेस पे घी स्किप कर सकते हैं और चाहे तो आप डाल सकते हैं। मैंने यहाँ घी डाल दिया है। देखिए ये हमारा हलवा तैयार है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।